गाइस, तो ये रानी मुखर्जी का आइकॉनिक लुक है। हम तो मूवी का काफी अमेजिंग सा है, तो इसे लुक को क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं यूज करूंगी इनसाइड कॉस्मेटिक का ये प्राइमर। काफी ज्यादा वायरल प्राइमर है एंड काफी कॉस्टली भी नहीं है, लाइक 99 रुपीज का है जस्ट। एंड इससे आपका ना जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके जितने भी ओपन पोर्स है वो सारे क्लोज हो जाएंगे। एंड इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर जितना भी मेरा डार्क एरिया है, लाइक हाइपरपिगमेंटेशन वगैरह जिस जिस पे एरिया पे हो रखी है वहां लगा लूंगी, एक्ने स्पॉट्स पे लगा लिया है। देन मैंने यूज करा है ये एन बाय वे का कॉन्टोर स्टिक। काफी अच्छा है, मुझे स्टिक वाले जो प्रोडक्ट होते हैं काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि इजी टू अप्लाई होते हैं, तो इसको अच्छे से लगा लेंगे। देन मैं ये लिपस्टिक यूज कर रही हूँ मेबेलिन की एज अ ब्लश। काफी अच्छा कलर है इसका, बॉम कलर है। एंड ये वाली लिपस्टिक मेरी खत्म भी होने वाली है, तो मैं इसका परचेज भी करूंगी। एंड इसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया है। इसका जो शेड है फिट मी का फाउंडेशन है 310, जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। एंड इसके बाद मैंने यूज करा है ये गुड वाइब्स का वाटर, रोज वाटर। जितना भी क्या होता है कि हम लोग जितना भी मेकअप, जैसे मैंने एक साथ सारे प्रोडक्ट लगा लिए जल्दी मेकअप करने की वजह से, तो अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट ड्राई हो गया है उसको अच्छे से ठीक कर देगा। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड ब्लेंडिंग ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी जैसे आपने कॉन्टोर लगाया, ब्लश लगाया, तो एग्जैक्ट एक लाइन रह जाती है, वो बहुत ज्यादा चीप एंड क्रीपी टाइप लगती है। ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रखा है, तो वो ना लगे इसके लिए आपको ना ब्लेंडिंग अच्छे से करनी होती है। तो मैंने ना कोई अदर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज करा है, सेम ब्यूटी ब्लेंडर को जैसे टू टू डिफरेंट साइड से कर लिया। एक एक साइड से अगर मैं वो यूज कर रही हूँ कॉन्टोर और ब्लश को ब्लेंड करने के लिए कर रही हूँ, तो दूसरी साइड से मैं कंसीलर एंड फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी। एंड अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ना मैं जितना भी नेक एरिया वगैरह था सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड मैंने आई मेकअप करती हूँ। आईब्रो मैंने ऑलमोस्ट पहले ही कर ली थी। एंड आई मेकअप में मैं पहले मैंने क्रीज पे लगाया ब्राउन कलर। ब्राउन कलर लगाने के बाद बस काजल अप्लाई करूंगी, इससे थोड़ा सा स्मज कर देंगे, जैसे इनकी पिक्चर में हो रखा था रानी मुखर्जी की, अच्छे से करेंगे। क्योंकि जब हम क्रीज पे लगाते हैं ना लाइन नहीं पड़नी चाहिए, इसे अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। नहीं, ये जो काजल है ये है ब्लू हेवन का काजल, काफी अच्छा है, अफोर्डेबल काजल है, कोई भी ले सकता है। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने जो ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसमें 90% प्रोडक्ट, 90 नहीं या 50% प्रोडक्ट 100 रुपीज के अंडर वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी एक 100 रुपीज की एक किट बनाई थी, तो वो भी मैंने ऑलरेडी वो वाली वीडियोस मैंने डाल दी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड काजल को अच्छे से लगाएंगे जिस तरह से उस पिक्चर में है, हम तुम मूवी में जिस तरह से रानी मुखर्जी ने लगाया है वो उसी तरह से काजल को लगा लेंगे पूरी। मैं सेम काजल से अपना लाइनर भी बना रही हूँ, अलग लाइनर नहीं यूज कर रही हूँ, सेम काजल से ही करा है। एंड इसके बाद ये इनसाइड कॉस्मेटिक का HD वाला जो होता है लूज पाउडर, वो यूज कर रही हूँ। यार ये काफी अच्छा लूज पाउडर है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, काफी अमेजिंग है। देन 5 मिनट रुकने के बाद जितना भी हमने बेकिंग करी थी अपनी, वो सारा पाउडर एक्स्ट्रा पाउडर हटा देंगे। उससे क्या होगा, अपना जो अंडर आई वगैरह पे हमने बेकिंग करी थी वो अच्छे से सेट हो जाएगी एंड फालतू की क्रीज वगैरह नहीं लगेगी। मेरे को बहुत सही लगता है ये प्रोसेस। एक्सेस पाउडर हमने हटा दिया है। अब मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की ब्लश पैलेट। इसमें ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है एंड कॉन्टोर भी है, ब्रॉन्जर भी है मीन्स। एंड सबसे पहले मैंने लगाया है ब्लश, उसके बाद मैं ये अपना ये ब्रॉन्जर है ना ब्राउन कलर का, उससे अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। पहले मैंने ना यूज करे थे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, अब मैं उसके ऊपर यूज करूंगी पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट। उससे क्या हो जाएगा, और ज्यादा एनहांस हो जाएगा लुक। आप लोग देखना कभी भी ऐसे करते हो ना, अगर लॉन्ग टाइम तक आपको मेकअप रखना है तो आप लोग ये वाले स्टेप जरूर फॉलो करना। हर एक प्रोडक्ट को पहले क्रीम बेस्ड लगाना है, फिर आपको पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट लगाना है। काफी अमेजिंग रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है लुक। एंड बहुत ट्राई करना, बहुत ज्यादा अच्छा सा एनहांस होके आता है। जैसे कि अभी मैंने ब्लश लगा रही हूँ, जो ऊपर देख रहे हो ना पिंक एंड थोड़ा डार्क पिंक टाइप का जो कलर है वो यूज कर रही हूँ, काफी अमेजिंग है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये ब्लश पैलेट आई थिंक 500 या 600 रुपए की है एंड ये काफी कॉस्टली है। मेरे को ऐसा लगता है कि 500 600 में सिर्फ ब्लश पैलेट लेंगे, लेकिन इसके अंदर ना
बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं है, ये बहुत दिनों तक यूज होगी मेरे को लिए हुए इससे हो गए 1-1.5 साल तो मुझे भी हो गया है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देन मैंने करा है अपनी आई लैसेस को कर्ल, काफी सही हो जाता है मेरे को, है ना, कर्ल करना काफी अच्छा लगता है आई लैसेस। एंड इसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी, मस्कारा लगाने के बाद मैं फेक लैसेस होते हैं उन्हें अप्लाई कर लूंगी। वो मैंने कैमरे में नहीं करा बिकॉज मेरे से ना अप्लाई नहीं होती, मेरे को एकदम शीशे के अंदर घुस जाना होता है मिरर के अंदर, तब मेरे से अप्लाई होता है। बहुत हार्ड लगता है मुझे फेक लैसेस अप्लाई करना, तो आप लोगों को भी लगता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेकअप में भी ना, कोई कोई स्टेप ऐसी होती है जो आपसे ना ऐसा लगता है अरे यार कितना टाइम लग रहा है, तो ऐसा वाला होता है मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छे से हम मस्कारा लगा लेंगे। एंड ये मस्कारा जो है ये पर्पल का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, 2 साल 1.5 2 साल से अभी हो गया है। एंड इसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया है, हाइलाइटर मैंने सेम जो ब्राउन पैलेट थी ना ब्लश वाली, उसमें हाइलाइटर वाला कलर भी था, उसी को मैंने यूज करा है, काफी अच्छा है। एंड आई कॉर्नर पे भी हल्का हल्का लगा लिया, ज्यादा नहीं लगाया। इसके बाद हम जो करेंगे अपना लिप लाइनर लगाएंगे, तो ये मैंने लिप लाइनर लगा रही हूँ एंड ब्राउन कलर का, आप भी ब्राउन कलर का लगा सकते हैं। देन एक न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, इसके बाद लिप लाइनर अच्छे से लगाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले थोड़ा डार्क ब्राउन लिप लाइनर, फिर हल्का न्यूड लिपस्टिक, देन इसके ऊपर ग्लॉस, एक अमेजिंग मतलब क्या बताऊँ, एक बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा कलर आ जाता है। देन मैं ये मेबलिन की लिपस्टिक है जो न्यूड कलर की है, थोड़ा ब्राउन लाइट ब्राउन टाइप कलर है, देन उसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, काफ़ी सही मेरे को सही लगती है ये वाली लिपस्टिक। एंड इसका शेड वगैरह जो भी है ना, ये आपको ना जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन ये इनसाइड कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे है, काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक 171 रुपीज़ का है जस्ट, एंड काफ़ी रिफ्रेशिंग है, लिटरली बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है मेरे को ये। एंड ये ग्लॉस है इनसाइड कॉस्मेटिक का, काफ़ी अच्छा ग्लॉस है, इसे लगा लेंगे एंड 5 मिनट बाद मेरा लुक ऐसा लगेगा। आप लोग देखना, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला लुक, मेरे को लग रहा था एग्जैक्ट मैंने फॉलो कर लिया है। दिस इज माय फाइनल लुक गाइस, आई होप यू गाइस लाइक इट। एंड ये मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए लिया है, मेरे को लगा कि रील्स में डाल दूंगी, एंड दूसरे फॉर्मेट में लेना भूल गई थी, लॉन्ग फॉर्मेट में। तो आप लोग बता सकते हो कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड अगर आपको भी अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट किस एक्ट्रेस का मेरे को लुक रिक्रिएट करना है आप वो भी बता सकते हैं। एंड आप लोग अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यहाँ पे ना लेट आता है सारा कॉन्टेंट, तो वहाँ पर जल्दी आ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टाटा सी।